हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? और आप सब घर में होंगे और सेफ होंगे। जैसा कि ये सिचुएशन है तो घर पे ही रहिए, सेफ रहिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हाय, आई एम राष्ट्री। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बगल में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जाए, क्योंकि मैं बैक टू बैक वीडियोज डाल रही हूँ तो आप कोई वीडियोज मिस ना करें, इसलिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से देखते हैं तो थैंक यू सो मच। तो जैसा कि आज हम लोगों ने सोचा है, बच्चों का फेवरेट डिश जो कि है पिट्ठा। बहुत दिन से ये लोग हॉस्टल से आए थे तो सोच रहे थे, इसीलिए सोचा कि आज आप लोगों के साथ वो रेसिपी पे शेयर करूं जो कि एक फेमस बिहारी रेसिपी। अगर आप बिहारी हैं तो आपको ये रेसिपी के विषय में पता होगा कि पिट्ठा क्या होता है। अपने यहाँ पिट्ठा बहुत ही ज़्यादा फेमस है। स्पेशली हम लोग का पिट्ठा जो है वो पूस का महीना यानी कि जनवरी में ज़्यादातर बनता है। मतलब एक नियम जो होता है कि ये चीज़ बनना चाहिए वो पूस का महीना में बनाया जाता है, लेकिन हम लोग का घर में सबको पसंद है तो हम लोग हमेशा बनाते रहते हैं, इसलिए सोची कि ये चीज़ आपके साथ शेयर करूं। तो पिट्ठा बहुत किस्म से, बहुत तरह से बनता है, जैसे कि कोई बादाम भर के, पोस्तों भर के, खोआ भर के, बहुत मीठा में भी, मीठा मतलब स्वीट डिश में भी बनाते हैं लोग। लेकिन हम लोग आज बनाएंगे दाल वाला पिट्ठा, जो कि है हम लोग बनाएंगे चावल का आटा से। ऐसे हम लोग आटा से भी बना सकते हैं, गेहूं का आटा से, लेकिन इस बार हम लोग बनाएंगे चावल का आटा से। तो आज हम लोग बनवाएंगे इससे इसीलिए हम लोग रेसिपी शेयर कर रहे हैं। तो पिट्ठा के साथ और क्या बनेगा? आलू वाला सब्जी, आलू बैंगन का। तो आलू बैंगन का सब्जी भी बनेगा और पिट्ठा भी बनेगा, तो दोनों का रेसिपी हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। तो एक भी चीज़ मिस नहीं कीजिएगा और एक और पूरा वीडियो देखिएगा और हम लोग का वैसे इंस्टा आईडी भी आप जान लीजिए जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, इसे आप फॉलो कर लीजिएगा। हम लोग इसमें थोड़ा एक्टिव रहते हैं तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर चना दाल मैंने रात में ही भिगो दिया था, रात में भिगो के रख दें और सुबह में इसको पीस देंगे हम लोग। अब हम मसाला रेडी कर लेते हैं सब्जी का और पिट्ठा में डालने वाला। ये है सरसों और लहसुन, इसको मैंने पीस दिया है। 2 टेबलस्पून सरसों और 2 लहसुन पीसा है मैंने इसमें, और इसमें पीसा है मिर्च, धनिया पाउडर। यहाँ मैंने 1 पोटली लहसुन लिया है। उसके बाद हम लोग लेंगे जीरा 1 टेबलस्पून, हल्का सा गोल मिर्च, हाफ लेंगे। उसके बाद हम लोग लेंगे दो कबाब चीनी, जवात्री, दालचीनी, दो इलायची, बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची, 2 लौंग, सजीरा 1 चुटकी, छोटी इलायची छोटा 1 ठो, अदरक,
गरम मसाला पिसा गया है जादू से। अब इसे हम लोग खाली कर लेंगे कटोरी में और बिल्कुल ढक के रखेंगे ताकि इसका महक नहीं जाए बाहर। अब हम लोग दाल ले लेंगे, एकदम सूखा दाल लेंगे। हम लोग को गीला दाल नहीं पीसना है, सूखा पे हल्का सा सिर्फ पानी देंगे अगर ज़रूरत है तो, और फिर इसको पीस लेंगे, सूखा पीसेंगे। इसी तरह से सूखा एकदम सूखा पीसेंगे, फिर एक टोपना में डाल के फिर उसी तरह से दूसरा भी पीस लेंगे, और इसी तरह करते करते सारा दाल हम लोग पीस लेंगे। दाल तो पिसा गया, अब हम लोग सब्जी का तैयारी करते हैं। यहाँ मैंने बड़े बड़े आलू ले लिए हैं, उसको बीच में इस तरह से छेद कर करके इसको कुकर में डाल के हम लोग 2 से 3 सीटी लगा देंगे। A few moments later. तो हम एक कढ़ाई ले लेंगे और कढ़ाई में पानी गर्म करेंगे, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं इसमें थोड़ा सा बॉइलिंग आ जाएगा। फिर हम ये चावल का आटा मैंने मंगा के रखा था 1.5 किलो, ये हम इसमें डाल देंगे और इसको चलाएंगे। यहाँ पानी बॉइल हो गया है तो यहाँ पर हम लोग इसको डाल देंगे और अच्छा से चलाएंगे ताकि कोई लम्स ना आए। चारों बगल से इसको चलाएंगे अच्छा से और 10 मिनट तक इसको पकाएंगे। यहाँ एक तरफ श्वेता आलू छील के काट रही है ताकि उसका हो जाएगा तो फिर एक तरफ हम सब्जी भी चढ़ा देंगे। अब ये हो ही चुका है लगभग, देखिए लम सारे निकल चुके हैं। अब एक कटौती लेंगे और चावल का आटा थोड़ा थोड़ा उसमें निकालेंगे। देखिए भाप निकल रहा है, मतलब बहुत गर्म है, तो इसको हम लोग मिला मिला के हल्का सा ज़्यादा गर्म है तो हल्का सा पानी ले लेंगे और हाथ उसमें भिंगा भिंगा के धीरे धीरे करके हम लोग उसको गोल गोल करेंगे और बाइंड करने का कोशिश करेंगे। ज़्यादा ही गर्म लग रहा है हमको तो छोड़नी लेके थोड़ा सा इसको मिला लेते हैं। अब देखिए ये थोड़ा सा हल्का ठंडा हो गया था तो हमने गरम गरम में इसको मिस दिया। इसको अच्छा से मिसना पड़ता है ताकि जब बेलें तो उसमें साइड से क्रैक ना हो, नहीं तो फटने का डर रहेगा, इसलिए हम लोग इसको अच्छा से मिलाएंगे। अब इसको मैं एक प्लास्टिक में करके रख दूंगी ताकि ये सूखे नहीं। फिर उसी तरह से हमें दूसरा आटा लेंगे और इसी तरह से बाइंड करेंगे। कीड़ा होता है ना, ये हमेशा होता ही है कीड़ा, बुझे? काटो।
गर्म है लेकिन देखना अच्छा से हम ऐसे से करके गर्म है पानी डाल के धीरे धीरे सानी। हमने ये जो दाल पीस के रखा था उसे हम अब ले लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे, ये देखिए पूरा सूखा होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए, ये दाल जो है ना ये पूरा सूखा होना चाहिए, गीला रहेगा तो फिर भराएगा नहीं, ठीक है ना। अब इसमें डाला जाएगा पहले हम लोग डालेंगे नमक जितना आप लोग दे सकें, स्वाद अनुसार। उसके बाद हम डालेंगे हल्दी, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर देंगे इसमें, क्योंकि हमें इसमें हरी मिर्च भी डालना है और हमने जो सुबह मसाला पीसा था पीस के रखा था वो ये मसाला हम इसमें दे देंगे। अब हम इसमें देंगे मंगरेला थोड़ा सा ताकि दिखे, मंगरेला टेस्ट में भी अच्छा होता है। अब हम इसमें हरी मिर्च काट के देते हैं, सूख गया ना पानी, अब तेल डालो। अब इसे बैंगन भूजना है आप लोग को, तो बैंगन के हिसाब से तेल डालेंगे। देखिए डालो बस। अब उसमें क्या डालेंगे, मेथी डालेगी, हल्का सा मेथी और मिर्चा मसाला। अब हम इसको मिला देंगे अच्छा से, फिर हम लोग का आलू बैंगन का सब्जी तैयार है। थोड़ा सा गर्म होने तो गर्म होने के बाद पूरा बैंगन पानी छान के तब डालना, इसीलिए इसको छन्ना में डाल देना पड़ता है ताकि छन जाए से घोल देना। हो गया ना, अब बैंगन डाल दो रेडी हो गया। अगर धनिया पत्ता रहेगा तो धनिया पत्ता भी आप लोग डाल सकते हैं इसमें। अब नमक हल्दी डालो, अपना अंदाज से डालो। बैंगन जो है कम होता है इसीलिए थोड़ा सा कम ही नमक पड़ेगा उसमें, हल्दी भी थोड़ा सा, नमक भी थोड़ा सा डाल दो।
को हम लोग टोकना नहीं करेंगे, इसको हम लोग मोमो में स्टीम करेंगे, मोमो वाला टोकना में स्टीम करेंगे, देखिएगा कितना अच्छा बनता है। ये सबसे इजी टेक्निक है, इसमें अगर आप डाल के बनाते तो चूर होने का डर रहता है ना, इसमें चूर होने का डर नहीं रहता है और बहुत अच्छा से निकलता है। एक बार आप तो भी ट्राई कीजिएगा। ये वाला मेरे पास में तीन है, तो जल्दी फटाक से हो भी जाएगा। इसका ढक्कन ऐसे बन के आप फिर इसको क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी सी इसको लंबा लंबा कर लेंगे। पहले आप लोग छोटे से पढ़ाई वहां से निकाल देंगे ऐसे बनने के लिए तो कुछ पहले ही को पता ही होगा। उबालते जाएंगे और इसमें डालते जाएंगे हल्का सा ऑयल लगा देंगे ताकि ये चिपके नहीं। इसको बेल लेंगे हल्का मोटा में और इसको जितना आता है उतना भरेंगे।
ज्यादा भर देंगे तो फिर ये निकलने का डर होगा, और ये फटना नहीं चाहिए, ये चीज फटेगा तो फिर ये दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए इसको ज्यादा मारे ताकि ये फटे नहीं। अब इसको हम लोग भर लेंगे पूरा भर के। अगर आप स्टीमर में बना रहे हैं तो इसको पूरा भर के ऐसे ओपन मुंह भी करके पका सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन हम लोग तो फ्राई करके खाते हैं ना, इसीलिए इसको पूरा मुंह बंद करना पड़ेगा। बैंगन को निकाल दी, अब तेल डालो थोड़ा सा इसमें, लो तेल डालो तो पहले उसको छोड़ो, नीचे तेल निकालो। अब आलू के हिसाब से तेल डालो, और थोड़ा सा पड़ेगा सरसों मसाला है ना, सरसों मसाला में थोड़ा सा तेल पड़ता है, और थोड़ा सा बस। अब इसमें आलू हम लोग बॉईल करके रखे हैं ना, अब इसमें फिर से मेथी जीरा डालो, नहीं मेथी मिर्चा डालो, दो तीन मिर्चा डालो और मेथी डालो, मेथी डाले मिर्चा डालो। अभी आलू बॉईल किया हुआ है ना, इसलिए हम लोग आलू पहले नहीं डालेंगे, ठीक है? अगर बॉईल नहीं रहता है तब हम लोग आलू, लेकिन बॉईल किया हुआ आलू का मजा दूसरा रहता है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले मसाला इसको भूनेंगे, सरसों मसाला जो होता है ना, सरसों मसाला वो पहले याद करके पूरा भूनना पड़ता है उसको। साइड से डालना चाहिए, तो अभी भी मसाला डालेंगे और फिर उसको चला देंगे, ठीक है? अब इसको पहले आधा भून जाएगा तब हम लोग इसमें आलू डालेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम लोग इसमें क्या करेंगे ना, टमाटर चार गो डालेंगे, थोड़ा सा खट्टापन आना चाहिए तो अच्छा लगता है। तो टमाटर को हम लोग अब क्या करेंगे, काट के नहीं डालेंगे क्योंकि वो अलग अलग आता है ना, वो देखने में अच्छा नहीं लगता है, तो उसको क्या करेंगे, मिक्सी का जार है ना, उसमें चार टमाटर पीस लेंगे, अब पीस के फिर इसमें डाल देंगे। तो जल्दी से टमाटर डाल के पीस है उसको, तो पीसिए ना, बस उसको इसमें डाल देंगे, डाल के और आलू भी डाल देंगे। हल्दी तो डाली है, बस नमक डालना है इसमें, ठीक है? इसको नमक डालेंगे और ढक ढक के भून देंगे। ये हमने दो ठंडा हो गया है और पानी भी बॉइल कर रहा है, तो इसमें हम लोग डाल देते हैं। टाइम देखते हैं, अभी हो रहा है 12:50, तो आफ्टर 30 मिनट्स हम लोग इसको बंद कर देंगे, मतलब बंद मतलब इसको निकाल के दूसरा वाला डाल देंगे, तब तक हम थर्ड वाला भी कर लेते हैं। आटा सामने भर का देरी रहता है, आप लोग देखे होंगे, वरना बन जाता है ये फटाफट। खाने में क्या लगता है, खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, अब बच्चा लोग को इतना टेस्टी लगता है ना कि ये लोग बोलते रहते हैं, मम्मी है ना पिट्टा, मम्मी पिट्टा खाएंगे, है ना, मतलब ब्रेकफास्ट लंच स्नैक्स डिनर मतलब 24 आवर्स ये लोग को एक दिन दे दो वही खाते रहेंगे। जैसे ये बना तो गरम गरम भी अच्छा लगता है खाने में, कितना आदमी इसको कच्चा खाता है, लेकिन हम लोग इसको घी में फ्राई करके खाते हैं। अगर आपको घी खाने का पसंद नहीं है
तो आप लोग को जो इच्छा रिफाइन में सरसों तेल में जिसमें आपको मन वो पार भी मैं ऐड करूँगी कि आप लोग याद से कैसे फ्राई कर सकते हैं। अब इसको लास्ट में मिला देंगे ये और ये बराबर करने के लिए इसको रख के और तब डाल देंगे। बोले थे दो खंडा हुआ था तब। अभी देखते हैं हम लोग का पिट्टा जो है सिर्फ तैयारी होना चाहिए। तैयारी होने से बहुत जल्दी फटाफट बनते चला गया। इस बार तो पैदा थी तो और जल्दी बन गया। ऐसे हम अकेले ही बनाते रहते हैं। अब देखें यहाँ सब्जी भी भुंजा आ गया है। बस ये कढ़ाई में सटना नहीं चाहिए। अगर कढ़ाई में नहीं सटा मतलब ये भुंजा आ गया है। अब ये भुंजा गया है दिखा दी ना। अब इसमें हम लोग बैंगन डाल देंगे। ठीक है, अब बैंगन डाल के इसको चला देंगे। बैंगन डालने के बाद 2-3 मिनट पका देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो मिक्सचर है पहले इसको निकाल लेंगे। जिसको भी भुजिया खाने की इच्छा है वो आराम से भुजिया के साथ में भी इसको खा सकते हैं। अगर पिठा के साथ ग्रेवी पसंद है तो ग्रेवी, भुजिया पसंद है तो भुजिया, और नहीं तो फिर पराठा के साथ में किसी भी चीज़ के साथ में भुजिया अच्छा लगता है। अब ये हमने अलग कर दिया। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग पानी डाल देंगे। ठीक है, ज़्यादा पतला नहीं करेंगे इसको, हल्का गाढ़ा रंग देंगे ताकि पिछड़ से इसको उठा सके। ग्रेवी जो डाला हमने, नमक तो हमने ग्रेवी के हिसाब से नहीं डाला था, तो अब ये ग्रेवी का नमक हम लोग ऊपर से हल्का सा दे देंगे और थोड़ा सा दे देते हैं क्योंकि बाद में गाढ़ा हो जाता है पानी। खाली ग्रेवी के हिसाब से हम लोग नमक दे देंगे। जब बॉईल हो जाए तो देखो इसका कलर भी कितना अच्छा है। दिखाओ यहाँ अब फिर तो बना लेगी बैंगन आलू का सब्जी। हाँ बन ही जाए दिखा, तो फिर भी हमको लगता है एक और बार अपने बनाए के तो समझ में आएगा। फिर समझ में आ गया वो? हाँ आ ही गया, मतलब ठीक है। हाँ तो अगर तो आटा सानने में मेहनत है, देख लेना, देख के फिर बना देना। बस आटा सानने में थोड़ा मेहनत है। हाँ आटा में मेहनत करते हैं। अब इसको डाल देंगे, अब दो बॉईल आ जाएगा तो इसको बंद कर देंगे। ये भी अब हो ही चुका है। कितना बच रहा है इसका? 120 बोले थे ना। हाँ पे ना डाल देंगे। सब्जी जब बन जाए तो अगर आपके पास धनिया पत्ता है तो धनिया पत्ता से आप लोग डालने के लिए दीजिएगा। और ये तो हो चुका है, तो पहले क्या करेंगे हम लोग आँच को कम करेंगे इसको, उसके बाद इसका ऊपर वाला को निकालेंगे। एकदम ध्यान से कीजिएगा क्योंकि ये हम लोगों ने इसलिए कम किया है क्योंकि स्टीम से हाथ जल सकता है। फिर इसको बेसिक कर लेंगे। अब इसको एक स्पून से अलग अलग कर लेंगे। इसको देखिए कितना अच्छा निकला है। कोई टेंशन भी नहीं, ना टूटने का डर ना कुछ। इसको अलग अलग करने के बाद में इसको हम डाल देंगे। अब फिर इसमें हल्का सा ऑयल लगा देंगे। गरम हो श्वेता का छोटू छोटू सा मीठा। ठीक है, छोटू छोटू सा देखने में भी क्यूट सा लगता है क्योंकि उसमें कम दाल रहता है। दाल इतने कम चाहिए? नहीं अब बड़े हो गए ना, अब खा लेते अच्छे से ना। उसी तरह से हम लोग इसको भूनेंगे। डाल देंगे। ओके,
इसमें तो बचा होगा 125 है ना, तो ये 155 में हो जाएगा। A few moments later. अच्छा से काटी थी, यही गड़बड़ कर दी। देखें, पकड़ दिखाते हैं, ये कट फटना नहीं चाहिए। इसको देखिए, और यहाँ टिप इधर से काटेंगे ऐसे, देखो तब नहीं फटेगा। दिखा रहे हैं ऐसे है ना। आज दीदी बनाई है ना, दीदी को दिखाया था। दीदी बनाई है ना, इधर से काटेंगे ऐसे है ना, तब नहीं फटेगा। और अगर इधर से काटेगी तो फट जाएगा, इसीलिए इस तरफ से काटना है। हम घी डाल दिया है, अगर आप लोग चाहे तो रिफाइन, आप लोग चाहे तो घी या रिफाइन दोनों भी डाल सकते हैं, या सरसों तेल भी डाल सकते हैं, जो आपका मन वो डाल के आप लोग उसको फ्राई कर सकते हैं। फ्राई करके दिखाते हैं अभी। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, ठीक है सब कुछ, नमक उमक है उसमें, सब्जी में भी। ओम तब पिठा खा रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा है कि बहुत अच्छा है? इसको भी पिठा बहुत पसंद है ना। देखिए एकदम कड़ा कड़ा है इसका। चलिए देख के आते हैं। श्वेता तुमको बहुत ज्यादा यम्मी है, बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत दिन का प्यास इन्हें कम है, मतलब बहुत दिन का पिट्टा खाने का क्या मन था, लेकिन खा ही नहीं पा रहे थे, इसमें कुछ मजा आ गया। खाने का इतना सुगंध रहा ना, मतलब दो वर्ड कह नहीं सकते, क्या बोल नहीं पा रहे। सब चीज ठीक है, एकदम लॉलीपॉप की तरह बना है, बहुत ज्यादा यम्मी, एकदम जैसे खाने में याद आ गया। तब इसी तरह तुमको भी बनाना सीखना है, जैसे नानी जी से हम सीखे, अब हमसे तुम सीखेगी और कृष भी सीखेगा, ये नहीं कि कृष ने सीखेगा। हाँ नहीं, कृष को भी बनाना है, खाने तो सबको सीखना है ना। तो कैसा लगा आप लोग को? बहुत ही इजी प्रोसेस था, कोई भारी चीज़ नहीं था। सबका रिव्यू भी आपको दे दिए, अब आप लोग भी ट्राई कीजिए और ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा। और अगर आप बिहारी है तो आप लोग जानते ही हैं, तो एक बार मेरे स्टाइल से भी बना के देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए फिर, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, और बाय बाय।